उड़ीसा के एक गांव में जब इच्छाधारी नागिन ने दिया एक बच्चे को जन्म, लेकिन गांव वाले की एक गलती के कारण उनके साथ जो हुआ वह देखकर उनके पैरों तले जमीन खसक गई। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में सच्ची श्रद्धा के साथ। कमेंट बॉक्स ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। दोस्तों, नागमणि एक इच्छाधारी नागिन को बहुत ही ज्यादा पावरफुल बना देती है, लेकिन कहते हैं कार्तिक पूर्णिमा के दिन एक साधारण नागिन भी गैर मणि के विशेष शक्तियां पाती हैं, लेकिन वह शक्तियां सिर्फ उस पूर्णिमा तक ही उस नागिन के पास होती है। इन शक्तियों के साथ नागिन कोई भी रूप धारण कर सकती है। भक्तों, नाग नागिन भगवान शिव को ही अपना पूजनी मानते हैं। भक्तों, ये सत्य घटना घटित हुई है। आशीष कुमार जी, जो कि पेशे से बहुत ही धनी व्यक्ति हैं, और उनके साथ यह सत्य घटना घटित हुई है। आशीष आज से 5 साल पहले गरीबी और एक साधारण जीवन व्यतीत करते आ रहे थे। वे अक्सर जंगल में अपनी बकरियां चराने जाया करते थे। एक दिन बकरियां चराते चराते वे जंगल के थोड़ा और अंदर को चले गए। उसी जंगल में एक इच्छाधारी नागिन एक विशाल पेड़ के पास अपने नाग के साथ रहा करती थी। वो नागिन गर्भवती थी और शाम का वक्त था। आशीष जब उस पेड़ के पास से गुजरा तो उसे दूर से एक चीज बहुत ही तेज रोशनी में चमकते दिखाई दी, लेकिन साथ में वह दोनों नाग नागिन भी वहीं पर थे। उन्हें वहां पर देख आशीष घबरा गया और जल्द ही वहां से वह अपने घर को भागा। आशीष इतना घबराया हुआ था कि उस समय उसने तो पीछे मुड़कर भी नहीं देखा, परंतु उस रात उसके सपने में वह चीज जो चमक रही थी बार बार आ रही थी। आशीष इतना तो समझ गया था कि हो ना हो वह तो बहुत ही मूल्यवान चीज थी। अगर वह उसे मिल गई तो वह बहुत ही बड़ा धनवान व्यक्ति बन जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत थी वह दोनों नाग और नागिन। अगले दिन वह पुनः उस जंगल में गया और उस पेड़ के पास रह रहे नाग नागिन को छिप कर देखने लगा। कुछ देर सोचने के बाद उसने देखा कि नागिन तो गर्भवती है, और अगले दिन जब वह घर आकर सोचने लगा कि ये तो अच्छा मौका होगा कि जब नागिन अपने गर्भवती बच्चे को जन्म देगी तभी वह नागमणि को चोरी कर लेगा, क्योंकि उस समय नागिन कमजोर होगी, बस उस नाग को मारना होगा। भक्तों, कहते हैं कि किसी नाग की तरफ गोबर अगर मार दिया जाए तो वह अपना होश खो बैठता है। अब आशीष हर रोज गोबर लेकर उस नाग को मारने के लिए गोबर लेकर सही समय का इंतजार करने लगा। एक दिन वह मौका भी आया कि जब नागिन अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी, तभी चुपके से आशीष ने नाग के मुंह में चुपके से गोबर मारा, फिर एक बड़े पत्थर से उस नाग को मार डाला, फिर उसने उस नागिन और उसके बच्चे को भी मार डाला और जल्दी से नागमणि को उठाकर अपने घर की तरफ बढ़ा। लेकिन नागिन किसी तरह बच गई थी और बेहोश पड़ी थी। जब नागिन को होश आया और अपने पास उसने बच्चे और नाग को मरा हुआ देखा तो उसके दुख और दर्द का कोई ठिकाना ना रहा। वह उस समय गुस्से से लाल होए जा रही थी और उसने आशीष से बदला लेने की ठानी, लेकिन मणि चले जाने के कारण वह अपने शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकती थी, परंतु वह अपना रूप तो बदल सकती थी। इधर आशीष को जैसे ही मणि मिली उसका पूरा जीवन ही परिवर्तित हो गया। उसके खेतों की फसल भी बहुत ही अच्छी हुई और काफी ही दामों पर बिकी। उसकी तो मानो लॉटरी लग गई हो, क्योंकि जो भी वह काम कर रहा था उसे उसमें सफलता प्राप्त होती जा रही थी। और आशीष को पता था कि यह सब तो वह चमत्कारी नागमणि का कमाल है। शहर में, गांव में, हर जगह आशीष का ही नाम था। आशीष के इस रुतबे को देख एक अच्छा विवाह का रिश्ता उसके पास के ही गांव से आया, और आरती नाम की एक सुंदर स्त्री से उसका विवाह संपन्न हुआ। आरती अपने पति आशीष को बहुत प्यार करती थी और बहुत ही इज्जत किया करती थी। दोनों कदम कदम पर एक दूसरे का साथ निभाते पूरे गांव और शहर में उनकी जोड़ी एक मिसाल बन गई थी। उधर नागिन ने भी दीपक नाम के एक मुंशी का रूप धारण किया और उसके पास में ही काम करने लगी। धीरे धीरे दीपक ने आशीष का व्यवहार जीत लिया और आशीष भी दीपक को अपना एक छोटा भाई ही मानने लगा। एक दिन आरती अपने पति आशीष के पास आती है और बताती है कि तुम पिता बनने वाले हो, मैं एक गर्भवती महिला हूँ। ये सुन आशीष के खुशी का ठिकाना ना रहा। वह स्वयं अपने मुंशी दीपक के पास गया और बताया कि देखो दीपक, मेरा कोई सगा भाई नहीं है और जब से तुम मुझे मिले हो तुम ही मेरे सगे भाई जैसे हो। आज मैं बहुत खुश हूँ और आज मैं तुम्हें और अपनी पत्नी को एक खास
जगह ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा इस दुनिया में तुम लोगों के सिवा कोई भी नहीं है। आशीष दीपक और आरती को कार में बैठाकर उस जगह की ओर निकल पड़ता है और कार को एक कुटिया के आगे रोककर वह बताता है कि जब वह छोटा था, जब उसकी माँ गर्भवती थी, तभी उसकी माँ की जान चली गई थी। उसके पिता तो पहले से ही खत्म हो चुके थे, तब एक बुजुर्ग व्यक्ति ने उसकी माँ को वहीं पर दफना दिया था। आशीष को उसी बूढ़े बाबा ने पाला था। आशीष बताता है कि जब भी उसके साथ कोई बुरी घटना होती है तो वह इसी कुटिया के पास दौड़ा चला आता है। यहाँ उसे एक अनोखे सुकून का एहसास होता है। आशीष बताता है कि मैं आज तुम दोनों को इसीलिए यहाँ पर लाया हूँ क्योंकि तुम दोनों मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुके हो। भक्तों, यह सुन सभी लोगों के आंखों में आंसू आ जाता है। कुछ देर रुकने के बाद जब वापस वह पहाड़ी से होकर घर को जाते हैं तो तभी अचानक उनकी गाड़ी एक जोर से पत्थर से टकराती है और उनकी गाड़ी को एक जोर का झटका लगता है और उनकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। तभी अचानक आशीष तो कार पे ही फंसा रहता है, लेकिन उसकी पत्नी खाई से नीचे गिर एक पेड़ पर लटकी रहती है और उस पेड़ के ठीक नीचे ही एक बहुत ही गहरी खाई थी। भक्तों, वह रात कार्तिक पूर्णिमा की ही रात थी। दीपक अपनी शक्तियां पाकर पुनः नागिन का रूप धारण कर लेता है। आशीष दीपक को देखकर चौंक जाता है क्योंकि वह नागिन का रूप धारण कर लेता है। वह नागिन आशीष को बताती है कि ठीक ऐसी ही स्थिति में वह कैसे फंसी थी। नागिन आशीष से बोलती है कि तुमने तो मेरा पूरा संसार ही खत्म कर दिया, मेरे पति और बच्चे को मार कर, और आज मेरे पास तुमसे बदला लेने का सिर्फ यही एक मौका है। आशीष गाड़ी में फंसा हुआ था और रो रो कर नागिन को बोलता है कि तुम भले ही मेरी जान ले लो, लेकिन मेरी पत्नी गर्भवती है, उसे छोड़ दो। परंतु तभी उस नागिन को अपनी वही स्थिति याद आती है कि क्या होता है कि जब कोई अपना हमसे दूर चला जाता है, जिंदगी का सबसे बड़ा दुख होता है। नागिन ने आशीष का अपनी पत्नी के प्रति सच्चा प्यार देखकर उसे माफ कर दिया और आरती को उस पेड़ से निकालकर बचा लिया। दोनों को हॉस्पिटल छोड़ आई और खुद वापस उसी जंगल में उसी पेड़ के पास जाकर उसने अपने प्राण को त्याग दिए। आशीष जब स्वस्थ होकर अपनी पत्नी के साथ वापस घर को लौटा, तब आशीष को अपनी गलती का एहसास हुआ और तब उसने जाना कि उसने जाने अनजाने में कितनी बड़ी गलती की। वह नागमणि को लेकर उसी विशाल पेड़ के पास गया और उस पेड़ के पास नागमणि को रखकर फूट फूट कर रोने लगा और शाम को घर वापस आ गया। भक्तों, कभी कभी हम लोग लालच में ऐसी गलती कर बैठते हैं कि उस गलती को कभी भी चाह कर भी हम सुधार नहीं सकते और हमारे पास सिर्फ पछताने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहता। कारण चाहे जो भी हो, किसी भी जीव का हत्या करने का हक भगवान ने हमें नहीं दिया है और हमें कभी भी किसी जीव को सताना नहीं चाहिए। इसी बात पर दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे प्रेस जरूर करें। हम मिलेंगे एक नई खास वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।